Jacuzzi. Wow, you look so nice. View is really, really, really very awesome. Wow. How you are feeling, Sunset Point? Scary. Is it scary? अच्छा लग रहा है वो. दिस आर सब हट्स एंड दिस इज द बेड. बेड क्वालिटी थोड़ा खराब लग रहा है बट ऐसा है कि यहाँ पे कंटिन्यू बारिश होते रहता है इसलिए ऐसे ही है. तो ऐसे दो हट्स भी रखे हैं इन लोगों ने बेड पे रिलैक्स करके. यू कैन वॉच दिस सीनरी. तो ओवरऑल द प्रॉपर्टी इज वेरी गुड. दिस इज एंट्रेंस. यहाँ पे डॉर्मेटरी रूम्स है. देन यहाँ पे लॉन विद द विला है. मतलब यहाँ पे फैमिली रूम है लॉन के साथ दिया इन लोगों ने. एंड शाम को बहुत ही सही लगने वाला है यहाँ पे. एंड ये जो है वो प्राइवेट रूम से एंड सेपरेट लॉन इन लोगों को दिया है. यही सेम वहाँ पे भी है. देन यहाँ पे स्विमिंग पूल एंड द डैम व्यू. और सामने ग्लास रूम. एंड इन लोगों ने यहाँ पे जो दिया है ऊपर वहाँ पे भी प्राइवेट रूम्स है विद द व्यू. डायरेक्ट वहाँ से डैम का व्यू है. एंड यहाँ पे जो 9 कॉटेजेस है इज अ गुड प्रॉपर्टी. इन लोगों ने टेंट भी रखा हुआ है. डायरेक्ट एक्सेस भी है डैम में जाने के लिए बट वो लोग अलाउड नहीं करते शायद क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तब. एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होते हैं बट बारिश की वजह से अभी कुछ भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं है. शाने डकलम पंची क्वीन कवर काटला डकलम पंची थमनी चैप्टर पर एक नंबर चैप्टर. हमेशा की तरह निकलते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई. हम लोगों ने क्या किया रात को एक लाइट चालू था. इन लोगों ने भी पता नहीं कि लाइट चालू है करके. एक छोटा वाला जो लाइट होता है गाड़ी में वो चालू था कल रात से. अभी आके जस्ट स्टार्टर लगाया एंड गाड़ी इज का इग्निशन शुरू ही नहीं हो रहा है. तो वी आर सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस ओंकार फ्रॉम पुणे. अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं. आज है ट्यूजडे एंड वी आर लिविंग फॉर द लोनावला बिकॉज आज हमारा एनिवर्सरी है. सो लेट्स गो गाइस. एंड गाड़ी भी एकदम टकाटक है. सो हियर वी आर लिविंग गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया. और निकलते ही बारिश की शुरुआत. जबरदस्त माहौल होने वाला है. वेयर अ सीट बेल्ट सेफ्टी. बाय बाय मंत्री. और क्या ही माहौल है. हम लोग हाईवे पे आ गए. जबरदस्त वाला बारिश हो रहा है. और अभी गौंजे का स्टेडियम गया मतलब जस्ट हम लोग हाईवे बॉम्बे पुणे हाईवे पे. जबरदस्त माहौल है और वेदर भी बहुत सही लग रहा है. लेकिन ऐसे लग रहा है बारिश के सीजन में बहुत दिन बाद बाहर निकला हूँ मैं. ओह गोप्रो और ये जो भी कुछ वीडियो शूट हो रहे हैं अपने वो गोप्रो में हो रहे हैं. इससे थोड़ा बहुत हलचल है. फोन की आदत थी गोप्रो की आदत नहीं थी. एंजॉय द वेदर गाइस. हम लोग कहाँ जा रहे हैं. बैंगलोर पुणे हाईवे मतलब यहाँ से पास लोनावला ही है. बट लोनावला एक कॉमन डेस्टिनेशन है बट ये जो प्लेस हम लोग आज एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ हमारे लिए भी नया है और शायद ही आपके लिए भी नया होगा. अब आज का अपना डेस्टिनेशन है जोस्टल प्लस लोनावला. तो वो पौना डैम को लग के ही है. सो दो डेस्टिनेशन हम लोग को सीधा डायरेक्ट लोनावला जाना नहीं है. उसके पहले सिंहगढ़ कॉलेज लगता है. सिंहगढ़ कॉलेज से ही हम लोग को निकल के देन इट्स वेरी क्लोज वहाँ से. तो वहीं से हम लोग अभी जा रहे हैं. रास्ता थोड़ा सा खराब है यहाँ पे सिंहगढ़ कॉलेज के आसपास क्योंकि थोड़ा बहुत काम चल रहा है. दिस इज द सिंहगढ़ कॉलेज गाइस. एक अलग ही थ्रिल है. अलग ही वाइब है यहाँ पे. अच्छा हो गया टू व्हीलर पे नहीं आए हम लोग. और लोनावला में हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त बारिश है. बहुत जबरदस्त बारिश है.
या साइड पहले मलंग है, तो यही रूट है। लोनावला में आने के बाद तुम लोग अगर मैप में डालोगे डायनासोर पार्क, तो डायनासोर पार्क के यहाँ से जोस्टेल के हर जगह तुम्हें बोर्ड मिलेंगे, वहीं से तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। यही है, ये जो सामने दिख रहा है यह खिंडीतून आपल्याला जावं लागतं। खिंडीतून पुढे जोस्टेल साठी रस्ता है। मीटर आगे आने के बाद यही से जोस्टेल के लिए टर्न है। यहाँ पे उन लोगों ने बोर्ड भी लगाया है खिड़की तुम बात। सो यही से आगे अभी देखते हैं, यहाँ से 500 मीटर था जहाँ से मैंने खिंडी पासून 500 मीटर अंतर यहाँ से तो अच्छा रोड लग रहा है, लेकिन उन लोगों ने कहा था कि 100 मीटर या 200 मीटर कुछ तो रोड थोड़ा सा खराब है, बट वेदर इज मतलब मस्त है, एकदम सही लग रहा है। वो डायनासोर पार्क तक आते हो, वहां से इन लोगों ने हर जगह बोर्ड लगाया हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत दिनों बाद इतना मतलब सही लग रहा है, क्योंकि समर के बाद अभी बारिश शुरू हो गया, बारिश में पहला ट्रिप है हमारा। वैसे तो मैं इससे पहले कोल्हापुर भी गया था, बट कोल्हापुर के टाइम इतना ज्यादा। सो हियर वी रीच जोस्टेल, ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर यहाँ से। लेट्स गो। कर देता हूँ, पहले लिस्ट में नाम देख लो, रहेगा लिस्ट में तो ना। क्या घाटगे ओंकार, सो हियर इज द लिस्ट, ऑलरेडी बुकिंग डन। सो हियर वी रीच जोस्टेल, और बहुत ही ज़्यादा बारिश है, एंड दिस इज जोस्टेल प्रॉपर्टी और आगे डैम। लेट्स टेक द बैग। अरे बारिश बारिश, भागो। लेट्स गो। फॉर्म जैसे ही तुम लोग अंदर आओगे, यहाँ पे चेक इन करना पड़ता है गूगल फॉर्म, जैसे स्कैनर पे हम लोग अपने पूरे डिटेल्स डाल देते हैं, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। सो दिस इज द फॉर्म जस्ट आई फील राइट नाउ। सो यहाँ पे इन लोगों का यहाँ पे कैफे है, यहाँ से डायरेक्ट डैम का व्यू है, देन यहाँ पे अलग अलग कॉटेजेस है, जैसे कि डॉर्मेट्री है, देन गार्डन विला से अपना जो है वो कॉटेज है, प्राइवेट कॉटेज वो सही ना। दीज आर ऑल्सो मतलब लाइक प्राइवेट रूम कह सकते हो विद अ गार्डन व्यू, एंड दिस इज द पूल। वाह 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 वाह, लेट्स शो द रूम। ओह माय गॉड, सो सो नाइस। And this is the view from the balcony. This is a cottage with the balcony and a small garden. View is really, really, really very awesome. Wow! And let's show you. देखते हैं वॉशरूम कैसा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने वाटर बॉटल्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। वाटर बॉटल्स, देन चाय। ओह, दिस इज द मेन्यू, दिस इज द स्मॉल फ्रिज, एंड दिस इज मी। And let's go to the washroom, guys. Washroom में बहुत कुछ रखा हुआ है इन लोगों ने। Then washroom is also very nice. And look this, at this, this jacuzzi. Jacuzzi. Wow. Wow. It is so nice. हमें यहाँ पहुँचते ऑलमोस्ट 1 बज गए ना। 2 बज रहे। अभी 2 बज रहे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी लंच के लिए। वैसे चेक इन टाइम था 11
12 बजे और चेकआउट टाइम है 10 बजे, बट यहाँ आते आते हमें ऑलमोस्ट 1:30 बज गया, देन चेक इन पूरा प्रॉपर रूम में जाते जाते 2 बज गए, तो अभी इट्स टाइम टू हैव समथिंग, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये भी ऊपर वाला भी अच्छे रूम से डायरेक्ट व्यू है, सीन ऐसा है कि अपन जिधर जाते उधर अपने को फर्स्ट रूम मिल जाता है, तो यहाँ भी ऐसा जैसे C01 रूम मिल गया, पहला ही कॉटेज है। वाह, स्विमिंग पूल, जबरदस्त जबरदस्त। रात को मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो लाइटिंग लगाई है हर जगह अलग तरीके के बल्ब, सो द प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस। सही सेट, वी आर हियर फॉर द लंच, एनिवर्सरी लंच, यू कैन सी। यही सीन है कि खाना भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है यहाँ पे हम लोग, तो हम लोगों ने अभी फिलहाल ऑर्डर किया था चिकन हंडी, देन बटर रोटी एंड चिकन मंचाओ सूप 1/2 एंड मसाला पापड़, द टोटल कॉस्ट वॉज 600 ऑलमोस्ट, सो खाना भी रिजनेबल है और टेस्ट खतरनाक वाला बारिश है, मतलब यार बहुत खतरनाक। और ये जो कैफे इन लोगों ने मेंटेन किया बहुत सही है, सीटिंग अरेंजमेंट भी है वो भी बहुत सही है, एंड द व्यू फ्रॉम द कैफे एंड बारिश, मतलब धुआंधार बारिश है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ आज तो कुछ होने ही नहीं वाली है बारिश की वजह से, बारिश की वजह से एक्टिविटी भूल जाएंगे, बट सही में बहुत सही लग रहा है, वेदर भी बहुत सही है। बारिश में शादी करने किसने कहा था? ये जून में शादी करने का वही फ़ायदा है कि तुम बाहर बारिश में घूम सकते हो, एंड आई लव बारिश। सो हियर वी आर लिविंग, बहुत खतरनाक वाला बारिश है, पूरा ब्लॉग बारिश में ही दिखने मिलने वाला है, मतलब इतना बड़ा छाता लेके भी पूरा खतरनाक यार। दिस इज द ग्लास विंडो, यहाँ इंडोर गेम्स रखे हुए हैं, टेंट हाउस भी है, अरे वाह वाह, एंड दिस इज द व्यू गाइस। बारिश थोड़ा कम हो गया इसलिए हम लोग यहाँ से निकले, थोड़ा खाना मस्त भरपेट हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट करके शाम को थोड़ा अच्छे से प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे। So this is the way of our cottage नाम सुना ना तो मेरे को वो cottage वाला कौन सा मूवी है, कृष्णा cottage याद है, 20%। So guys this is the view and this is the cottages, like यहाँ से लग के सीधे बहुत सारे 3-4 cottage है, बट दीज आर वेरी प्राइवेट एंड प्रीमियम कॉटेजेस ऑफ जो माहौल खुल गया है यहाँ पे, अभी थोड़ा बहुत धूप आ गया है, धूप में बारिश हो रही है, एंड द टाइम इज 5:30 एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। 5:30 रोज का टाइमिंग है, ठीक है, वैसे तो हमारा टी एंड टोस्ट इज अ मैंडेटरी, सो यहाँ पे तो टोस्ट नहीं मिलने वाला, चाय तो मिलेगा, अच्छा ये भी पता नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस एंड लेट्स चेक आउट द व्यू। ये जो सारे यहाँ से 0-9 जो बना है इन लोगों ने, 1-9 इट्स ऑल कॉटेजेस, देन यहाँ पे स्विमिंग पूल है, देन ऊपर जो है वो सारे विलाज है, लाइक कपल विलाज, देन फैमिली रूम्स भी है। दिस इज अ कैफेटेरिया, इसका नाम है द गैरेज बेशु कैफे। This is menu card guys for the breakfast. This is the menu. This is for the liquor cafes. Like यहाँ पे तुम लोगों को चाय मिलेगी एंड सैंडविचेस एंड बहुत कुछ है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, रेट्स भी बहुत सही है। Hashtag leave it नाउ, मतलब यहाँ पे टेंट दिखा दिया मैंने, सारे रूम्स दिखा दिए, जो ग्लास रूम है उसमें सारे स्पोर्ट्स है, बट अनदर थिंग आई विल शो यू इज लाइक यू विल से वाओ, दिस इज द व्यू, डोंट जंप ऑन। So this is how it looks. नीचे खाई, यहाँ नेट, and this is we. How you are feeling? Sunset point. Scary. Is it scary? अच्छा लग रहा है. Whoa. This is what places. मतलब यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है, गाने बज रहे. Then यहाँ से हम लोग पीछे देखेंगे तो फिर दिस इज़ द व्यू, नीचे सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे गार्डन में, देन
यहाँ पे कॉटेजेस एंड स्विमिंग पूल स्टार्टेड, मतलब बारिश जाने के बाद पूरा माहौल कर रहे लोग यहाँ पे चिल आउट करने के लिए, बहुत ही सही प्लेस है। आई थिंक ये दिस प्लेस इज डॉग फ्रेंडली एज वेल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स दिख रहे हैं एंड शी इज हियर। लेट्स से यू वेयर वी आर गोइंग नाउ, पानी में, डायरेक्ट पानी में। तो हम लोग थोड़ा डैम के पास जा रहे हैं, सनसेट अच्छे से हो गया, हम लोग ऊपर ही थोड़ा देर थे, वहाँ पे सनसेट देखा। दिस इज द टेन सनसेट, तो मतलब दिखा ही नहीं, पूरा बादलों में है सन। यहाँ पे अच्छा अच्छा खासा क्राउड जमा हुआ है, सब लोगों ने अपने अपने कट्टे ले लिए। हाउ इज द प्लेस निधि? रियली नाइस, इट हैज अ लॉट ऑफ इंडोर गेम्स अवेलेबल, दैट नेट पोर्शन वाज रियली नाइस, आई मीन इट वाज रियली रिलैक्सिंग। इनिशियली थोड़ा डर लगा उस पे, बट बाद में फोटोज के लिए प्लेसेस तो कम ही नहीं है, इतनी सारी जगह पे फोटोज ले सकते हो तुम यहाँ की। वन डे इज नॉट इनफ ना? वन डे इज नॉट इनफ, डेफिनेटली एटलीस्ट दो चार दिन। दो चार दिन तभी मजा आएगा, तभी यू विल गेट बोर्ड एंड लाइक ठीक है चलो। हाँ मतलब एक दिन में ऐसे लगे कि वापस और रहना चाहिए। देख के वी आर गोइंग अगेन अपस्टेयर्स, और यहाँ से दिख रहा है या पता नहीं तुम लोगों को, ये जो सारे रूम्स है वो कॉटेजेस है, देन वहाँ पे सिटिंग दो बेंच रखे उन लोगों ने। एंड व्हाट इज दिस, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे फिलहाल, एंड लुक एट द व्यू गाइस, मतलब रात का माहौल ही पूरा चेंज कर रहा है, सुबह जो माहौल था उससे पूरा वाइब ही अलग है रात का। भाई भाई सच में सबसे क्या गाने बजा रहा आज, 101 गाने बजा, लेकिन पूरा नाचने का मन कर रहा है। आज क्राउड भी बहुत कम है लेकिन यहाँ पे बट सही क्राउड आया हुआ है, वीकडे वीकेंड में तो मतलब जबरदस्त क्राउड हुआ यहाँ। ग्लास रूम एंड द प्रोफेशनल प्लेयर, वो क्या बात है, अब मजा आएगा। इट्स टाइम, अभी हो रहा है 11 बज रहे हैं एंड वी आर इन गेमिंग जोन रूम, हो रहा है सही है। ओहो वेल प्लेड छोरी, शाबाश शाने डकलम पंची, क्वीन कवर काढला डकलम पंची थंबनेल, चैप्टर पर एक नंबर है चैप्टर। एंड मैच बहुत ही टफ होते हुए, वन ब्लैक एंड वन व्हाइट, व्हाइट इज विद मिसेस गाड़गे एंड ब्लैक इज फॉर मी एज यूजुअल, सो थंब अलाउड नहीं है वैसे तो। लेट्स सी हु विंस गाइस, जस्ट मिस, वर येणार ती सोमती चाने पकडायचं नाही, मेरी क्वीन मैंने जीती। दिस इज प्लीज फॉर सिटिंग, रात को तुम लोग बैठ के मस्त चिल कर सकते हो यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 8 बज रहे हैं, मतलब 7:30 बज रहे हैं, चेक आउट द व्यू गाइस। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करके हो सके तो सुबह सुबह स्विमिंग पूल भी जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बारिश भी, मतलब बारिश ऐसा है कि कंटिन्यूसली बारिश है ही यहाँ पे, बट बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे। कल तो सनसेट देख लिया था तो सनराइज़ का तो मौका है नहीं अपने पास, बट दिस व्यू इज़ अमेजिंग गाइस। एंड टाइम फॉर मॉर्निंग वॉक, सो हेल्थ कॉन्शियस गर्ल। हाँ तो ऐसा हुआ कि होटल वाले तो फोन नहीं उठा रहे थे हम लोग चाय बोलने के लिए, सो लेट्स गो टेक अ वॉक और चाय बोल देते हैं वहाँ पे।
लाए थे ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देने के लिए, बट सीन ऐसा है कि अभी शुरू हुआ है तो बस उनके पास अभी चाय है, सो वी आर गोइंग अगेन इन द रूम। सो हियर इज द हॉस्टल। बाप रे, इन लोगों ने पूरे शेर पाल के रखे हैं यहाँ पे, खतरनाक। मॉर्निंग अगेन, टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। हम लोग सुबह ही वहाँ पे गए थे बट फ्रेश होके देन वी आर गोइंग अगेन। अभी फिलहाल 10:15 हो रहे हैं, 15 मिनट से मतलब 10 बजे चेकआउट है अपना, बट खा पी के आराम से वी विल लीव। नज़ारे वरवा रहे बहुत ही थे। सो हियर इज आवर ब्रेकफास्ट। इतनी तगड़ी भूख लगी हुई है और चाय अभी बहुत बढ़िया दिया इन लोगों ने। And this is the view. आप इस प्रॉपर्टी में कहाँ भी हो, जहाँ भी हो ना, तो कोई भी प्लेस पर वहाँ से एकदम बढ़िया व्यू है। So it's time for TT now. कल रात को मैं बता नहीं पाया यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट किया इन लोगों ने। सो दिस आर सब हट्स एंड दिस इज द बेड। बेड क्वालिटी थोड़ा ख़राब लग रहा है बट ऐसा है कि यहाँ पे कंटिन्यू बारिश होते रहता है इसलिए ऐसे ही है। तो ऐसे दो हट्स भी रखे हैं इन लोगों ने बेड पे रिलैक्स करके, यू कैन वॉच दिस सीनरी। तो ओवरऑल द प्रॉपर्टी इज वेरी गुड एंड टाइम टू से बाय टू दिस प्रॉपर्टी एंड दिस रूम एज वेल। बाय रूम, बाय व्यू एज वेल। अपना पूरे भी कुछ कम नहीं है, सो वी आर कमिंग बैक टू पुणे। हमेशा की तरह निकलते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। हम लोगों ने क्या किया, रात को एक लाइट चालू था, इन लोगों ने भी पता नहीं कि लाइट चालू है करके, एक छोटा वाला जो लाइट होता है गाड़ी में वो चालू था कल रात से। अभी आके जस्ट स्टार्टर लगाया एंड गाड़ी इग्निशन शुरू ही नहीं हो रहा है, तो वी आर ट्राइंग। एक साइड में ही गाड़ी है, उनसे बैटरी बैकअप मतलब स्टार्टर देके लेट्स ट्राई फॉर इट। ये होटल वालों के पास थी वायर या आपला है? अच्छे लोग मिले हमें जिन लोगों ने फटाफट हेल्प किया, लाइक 15-20 मिनट्स में फटाफट गाड़ी लाके वायर लाके दे हेल्प अस एंड इट वॉज रियली वेरी लाइक। वैसे एंड मोमेंट पे ऐसे लोग मिल जाते ना, सही लगता है। मतलब अपन काय तरी पुण्य केलंय म्हणून अशी आपल्या लोक भेटतात, नाहीतर लोणावरनं आता गॅरेज वाला बोलवा लागला असता। भले दिस इज द ट्रू की हॉटेल वाले ने कुछ हेल्प नहीं की, जो लोग मुंबई से गाड़ी लेके आए थे ड्राइवर दे हेल्प अस टू स्टार्ट द कार, और वहां एक जनरेटर वाला था उन्होंने भी वो बड़ा वाला वायर लेके आया। वो इट वॉज अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे अपन बाहर आए और ऐसे कुछ ना कुछ हो, मतलब है ही ऐसा। फटाफट हेल्प भी कर दी लोगों ने, फटाफट गाड़ी शुरू भी हो गया, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट गए अपने, बट इट वॉज अ रियली ग्रेट टाइम यार। होटल वालों का कुछ हेल्प नहीं था इसमें, बाकी के जो लोग थे उन लोगों ने हेल्प की एज आई सेड। बट अभी अपना ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है क्योंकि हम लोग इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी से इतने सही नज़ारों से पुणे में जा रहे हैं। वी आर कमिंग बैक पुणे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। Thanks for watching guys, bye bye.